भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव का आज है जन्मदिन, तो हम अपनी तरफ से उन्हें विश करते हैं हैप्पी बर्थडे और उनका करियर इसी तरह से भोजपुरी इंडस्ट्री में बढ़ता रहे, प्रोग्रेस करता रहे। हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं खेसारी लाल यादव के साथ में। अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे, तो टॉपिक स्टार्ट होता है ये कि क्या खेसारी लाल यादव डर गए हैं पवन सिंह से। जी हाँ, पवन सिंह की फिल्म क्रैक फाइटर रिलीज हो रही है 21 तारीख को, वो भी भोजपुरी की सबसे बड़ी फिल्म के तौर पर, और उसी दिन रिलीज होगी फिल्म पुली नंबर 1 जो कि खेसारी लाल यादव की फिल्म है। और इस फिल्म को यूट्यूब पर जब इसका ट्रेलर रिलीज हुआ है तब से इसे काफी सराहा गया है क्योंकि फिल्म का टॉपिक ही काफी दमदार है। हाँ, हम यहाँ ये नहीं कह रहे हैं कि खेसारी लाल यादव की फिल्म कहीं से भी कमजोर है फिल्म क्रैक फाइटर से। हाँ, ये बात और है कि फिल्म क्रैक फाइटर का अभी ट्रेलर रिलीज नहीं हुआ है। फिल्म क्रैक फाइटर का ट्रेलर 17 तारीख को रिलीज होगा और फिल्म 21 तारीख को। यहाँ पर एक बात आपको ये बता देनी जरूरी है कि खेसारी लाल यादव नहीं चाहते हैं कि उनकी फिल्म कूली को कहीं से भी कोई लॉस हो। आपको यहाँ ये बता दें कि खेसारी लाल यादव बहुत ही पक्के खिलाड़ी बन चुके, वो ये जानते हैं कि अगर एक ही मौके पर पवन और खेसारी की फिल्में रिलीज होती हैं तो बॉक्स ऑफिस पर इन दोनों फिल्मों को नुकसान झेलना पड़ेगा। इसलिए शायद खेसारी लाल यादव पवन की फिल्म से एक हफ्ता बाद या यूं कह ले कि 10-15 दिन बाद अपनी फिल्म पुली नंबर 1 रिलीज करना चाहते हैं ताकि पुली नंबर 1 को क्रैक फाइटर की वजह से कहीं भी लॉस झेलना न पड़े। वैसे आपको यहाँ ये बता दें कि पवन सिंह और खेसारी लाल यादव की इस साल की इन दोनों की ये पहली रिलीज है। अगर इन रिलीज को भोजपुरी दर्शकों ने सही दिल से अपना लिया तो भोजपुरिया बॉक्स ऑफिस पर होगी पैसे की बरसात और भोजपुरी इंडस्ट्री फलेगी फूलेगी भी, क्योंकि भाई जब पैसा आएगा तभी तो फिल्में बनेंगी। इसलिए हर मुद्दे को देखते हुए खेसारी लाल यादव ने ये सोचा है कि उनकी फिल्म होली पर रिलीज न होके होली के बाद रिलीज होगी। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि क्रैक फाइटर कितना बड़ा इतिहास क्रिएट करती है इस साल बिजनेस के मामले में। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिए।